गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट बैरियर विच इज द सेलुलर बैरियर. प्रीवियसली वी हैव डन अबाउट द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन विच देयर आर सेलुलर बैरियर्स. सो सेलुलर बैरियर्स आर of two type, that is phagocytic barriers and natural killer cells. Okay, so phagocytic barriers के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. Phagocytosis, ठीक है, phagocytic means phagocytosis. So phagocytosis में क्या होगा, कोई भी cell है, ठीक है, कोई भी foreign body जो है, for example this is the foreign body and okay, this one is the body. ये फॉरेन पार्टिकल है, दिस वन इज फॉरेन पार्टिकल विच एंटर इन अवर बॉडी बाय मीन्स ऑफ वेरियस एंट्री. सो जब ये एंटर करेगा हमारी बॉडी में, दे आर वेरियस वेज थ्रू विच दिस फॉरेन पार्टिकल एक्चुअली एंटर इन अवर बॉडी. सो फॉरेन पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया. अब देयर आर सम फैजोसाइटिक बैरियर्स, यहाँ पे कुछ फैजोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से सेल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. अभी हम जर्नल सा मैथड पढ़ लेते हैं. ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज कमिंग हियर, ये आएगा, इसके अराउंड जो है इस तरह की शेप बनाएगा जैसे अमीबा बनाता है, एनगल्फ करेगा इसको, एनगल्फ किया इसने, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और किल कर देते हैं अल्टीमेटली, किलिंग द माइक्रोब और फॉरेन पार्टिकल. ओके जी, सो दिस वन इज द फैजोसाइटिक प्रोसेस एक्चुअली. अब सेलुलर बैरियर में जहां फैजोसाइटिक बैरियर्स पढ़ रहे थे हम, दे आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इननेट इम्यूनिटी. सो जो फैजोसाइट्स हैं, पहले तो हमने किया फैजोसाइटिक बैरियर्स, ठीक है, फैजोसाइटिक बैरियर्स जो कि दो टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज ल्यूकोसाइट्स एंड अदर वन इज मैक्रोफेज. मैक्रोफाज बोलिए, मैक्रोफेज बोलिए, दीज आर बोथ आर द सेम थिंग. तो अगर हम टॉप से देखें तो दे आर सेलुलर बैरियर, मैं सेलुलर बैरियर लिख रही हूँ सिंपल, विच इज ऑफ टू टाइप, फैजोसाइटिक बैरियर एंड एनके सेल्स. ओके, एक तो ये है फैजोसाइटिक बैरियर जो दो टाइप के होते हैं, ये मैंने डिस्कस कर दिया आपको. अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड WBCs. दे आर कॉल्ड द WBCs. अब इन WBCs जो हैं, दे आर वेरियस टाइप ऑफ WBCs विच हेल्प्स इन द फैजोसाइटोसिस और फैजोसाइटिक बैरियर्स में बहुत सारी हेल्प करते हैं. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस फ्लो चार्ट. सो दिस वन इज द फ्लो चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ WBCs. WBCs इज ऑफ टू टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स. सो ग्रैन्युलोसाइट्स आर दोज विच आर हैविंग न्यूक्लियस, और वी कैन से दैट ग्रैन्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर लाइक दिस वन. कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, देन ए ग्रैन्युलोसाइट्स. सो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स एबसेंट हो गए. देन ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स. अब
ये थ्री टाइप्स जो है वो कैसे की है ग्रैन्यूलोसाइट्स की. दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ दीज सेल्स विद द डाई. ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर एक्चुअली स्टेनिंग विद एसिडिक एंड बेसिक डाई. ओके जी, देन बेसोफिल्स. तो जो बेसोफिल्स हैं स्टेनिंग विद बेसिक डाई. नेम ही इसका पता चल रहा है कि ये बेसिक है, तो बेसोफिल्स है तो बेसिक से ही रिलेटेड होगा कुछ. और इओसिनोफिल जो है स्टेनिंग विद एसिडिक डाई. ओके जी, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स. देन एक ग्रैन्युलोसाइट्स जो है वो दो तरह की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट वन. ठीक है, लार्जेस्ट इसको बोलते हैं लार्जेस्ट WBC. एंड न्यूट्रोफिल्स आर द स्मॉलेस्ट. देन लिम्फोसाइट इज ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट. वैसे इसमें नेचुरल किलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट हम यहाँ बात करेंगे अब नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंस की. अगर हम बात करें तो यहाँ तक मोनोसाइट्स तक आपको सारे के सारे ये जो है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में देखने को मिलेंगे. हर कहीं जो है इनका रोल, कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोल इनका नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में रहेगा. बट अगर स्पेसिफिक डिफेंस की बात करें, ठीक है, तो उसमें लिम्फोसाइट्स जो है दे आर मेनली हेल्पिंग इन द स्पेसिफिक डिफेंस, और वी कैन से दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में. ठीक है, तो उसमें जो है या स्पेसिफिक डिफेंस में बोले मोस्ट अप्रोप्रिएट वही रहेगा कि उसमें लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं हमारी. तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अबाउट ऑल दीज कैटेगरीज. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कुछ जगह पर ये जो भी लिम्फोसाइट्स हैं वो जो भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन द नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक मैकेनिज्म. सो नाउ ल्यूकोसाइट्स आर द वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, ये हमें पता है. तो ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस जो है दैट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs. ठीक है, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते समय इम्यून रिस्पॉन्स शो करते टाइम जो है दे इंक्रीज देयर नंबर विच इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस. दो टाइप यहाँ पे मेनली डिस्कस की गई है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. सो न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और PMNL. सो दे केम आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज थ्रू डायपिडेसिस एंड रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन. अब ये क्या करते हैं, लेट मी ड्रॉ विद अदर पेन. For example, these are the cells present ठीक है, यहाँ पे सेल जो है प्रेजेंट है. अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो एमेबॉइड मूवमेंट करते हैं. कैसे करेंगे एमेबॉइड मूवमेंट, मान लो फॉरेन पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ अटैक करना है. अटैक कैसे होगा, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे एमेबॉइड मूवमेंट. कैसे करेंगे, इन बिटवीन द सेल्स इस तरह की मूवमेंट. ठीक है, फाइनली एनगल्फ कर लेंगे इसको. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एमेबॉइड मूवमेंट इज कॉल्ड डायपिडेसिस.
ठीक है. एमेबॉइड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज कॉल्ड डायपेडेसिस. दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म. नेक्स्ट वन मैक्रोफेजेस जो है वो भी इन फेजोसाइटोसिस का काम करते हैं. फेजोसाइट करते हैं सेल्स को. सो मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर साइनोसाइट्स आर कॉल्ड कुफर सेल्स. और कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेजेस को बोलते हैं हिस्टोसाइट्स. और यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है. ब्रेन सेल्स के जो मैक्रोफेजेस हैं दे आर कॉल्ड माइक्रोग्लियल सेल्स. नेक्स्ट वन इज नेचुरल किलर सेल्स. सो नेचुरल किलर सेल्स आर द वी कैन सी दैट स्मॉल लिम्फोसाइट्स विदाउट बी और टी मार्कर्स. मैंने बताया था कि लिम्फोसाइट जो हैं वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और कुछ नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं. बट यहाँ पर जो लिम्फोसाइट मैंने बताया वो स्पेसिफिक डिफेंस में भी काम करते हैं. बट आप यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस देख रहे हो. अभी तक हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट नहीं की है विच इज द स्पेसिफिक डिफेंस. सो जो नेचुरल किलर्स हैं दे आर विदाउट बी और टी मार्कर्स विच ओरिजिनेट्स एक्चुअली इन द बोन मैरो एंड आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी. ठीक है, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. दे इम्पॉर्टेंट इन द नेचुरल रेजिस्टेंट टू ट्यूमर्स एंड दे हैव इंटरफेरॉन ऑगमेंटेड एक्टिविटी अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. वायरस के अगेंस्ट इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है. ये क्या करते हैं, कोई भी सेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ सेल. यहां पर वायरस आया. आई ड्रॉ इट वेरी लार्ज, डोंट कंसीडर इट वायरस अटैक. ठीक है, वायरस उसने अटैक कर दिया इस सेल के ऊपर. अब यहां पर वायरस आ गया. और हमेशा जब भी कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है सेल में सो इट हैज टू बी मल्टीप्लाई. फर्स्टली वो फीड नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा. देन ये मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द नेचुरल किलर सेल्स, ये यहां पे इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं. वेरियस नेचुरल किलर सेल्स आर देयर. ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैक करते हैं और पोर्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन अगर मैं बताऊं तो पोर्स क्रिएट कर दिए इन्होंने और यहां अंदर वायरस जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस पोर्स आर एक्चुअली कॉल्ड परफोरिन लाइन पोर्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड परफोरिन लाइन पोर्स. सो ये पोर्स क्रिएट हो गए. ये पोर्स जो हैं, सब पोर्स क्रिएट हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन द सेल. तो यहां से वाटर जो है वो एंटर करेगा. ठीक है, वाटर एंटर करेगा इन सारे पोर्स से एंड दिस सेल स्वेल्स अप एंड बर्स्ट. और वायरस की कहानी यहां पर खत्म होगी. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड एपोपोटोसिस. ठीक है, परफोरिन लाइन पोर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे. वहां से वाटर एंटर करेगा, सेल स्वेलअप हो जाएगा एंड देन इट बर्स्ट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल किलर सेल्स. नेक्स्ट वन इज साइटोकाइन बैरियर्स. सो साइटोकाइन बैरियर्स जो हैं दे आर द नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स विच आर रिलीज्ड बाय द सेल्स आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन. जैसे ही एंटीजन एंटर होगा तो कुछ प्रोटीन्स हैं विच आर नॉन एंटीबॉडी. एंटीबॉडीज जो है वो आपको स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में देखने को मिलेगी. यहाँ पर नॉन एंटीबॉडीज लाइक प्रोटीन्स जो है वो रिलीज होती हैं आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन एंड दे आर द इंटरसेलुलर मीडिएटर्स दैट प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली. एंड दे आर ऑफ टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स शो करते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरफेरॉन एंड सेकेंड वन इन्फ्लामेटरी. इंटरफेरॉन इज नथिंग बट ग्लाइकोप्रोटीन विच आर रिलीज बाय द लिविंग सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल अटैक. वायरल अटैक के रिस्पॉन्स में कुछ लिविंग सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स आर देयर
सो ये कैसे अटैक करते हैं एक्चुअली, जैसे ही कोई सेल है ठीक है उसमें वायरस एंटर हुआ, ओके वायरस एंटर होने के बाद दे एक्चुअली इनहिबिट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वायरल पार्टिकल्स. जो इंटरफेरोन है वो क्या करेंगे, वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे. जैसे कि मैंने बताया था सेल्स में जब भी वायरस आता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स होने ही नहीं देती है और वायरस पर अटैक करती है एंड देन वायरस जो है दैट विल डाई. सेकेंड है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स. A localized inflammatory response appears at the site of infection or tissue injury. जहां पर भी इन्फेक्शन होगा या टिश्यू इंजरी होगी वहां पर हमें रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग, पेन और हीटअप हो जाती है हमारी बॉडी. अब क्या होगा इसके रिस्पॉन्स में, जो बेसोफिल्स हैं ठीक है, बेसोफिल्स ऑफ द ब्लड दे एक्चुअली प्रोड्यूस द केमिकल अलार्म सिग्नल्स. और ये केमिकल अलार्म सिग्नल्स किस वे में प्रोड्यूस होते हैं, किस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टेग्लैंडिन्स. ठीक है, प्रोस्टेग्लैंडिन्स की फॉर्म में शो जो है फॉर्म होते हैं. ठीक है, केमिकल अलार्म सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं फेजोसाइट्स को, फेजोसाइट्स आते हैं एंड दे एनगल्फ द फॉरन पार्टिकल. ठीक है, लास्ट वन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इट इज ऑफ ओवर 30 सीरम प्रोटीन विच हैव अ कैस्केड लाइक इफेक्ट रिजल्टिंग इन द लीसिस ऑफ द माइक्रोब. दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, क्लासिक एंड अल्टरनेट. जो क्लासिक है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होती है और जो अल्टरनेट है वो इननेट इम्यूनिटी में. और हम कर रहे हैं इननेट इम्यूनिटी, तो हम अल्टरनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो अल्टरनेट पाथवे जो है इट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे ये फॉरेन पार्टिकल है. ठीक है, तो मैंने बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है दे आर 30 सीरम प्रोटीन्स. जो प्रोटीन्स हैं वो आएंगी यहाँ पे इस फॉरेन पार्टिकल्स के अराउंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूं, हियर आई ड्रॉ इट. बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जो है वो आते हैं एंड दे फॉर्म दिस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. मेम्ब्रेन फॉर्म कर देती है इस वायरस, इस फॉरेन पार्टिकल के अराउंड. और इस फॉरेन पार्टिकल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पोर क्रिएट कर देती है. ठीक है, लेट मी ड्रॉ द सेकेंड डायग्राम जहां पर ये अटैच हो जाती है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. पोर्स क्रिएट कर देती है, जैसे कि हमने नेचुरल किलर सेल्स में आई थिंक पढ़ा है, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे. सो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लिसिस हो रहा है वॉल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सॉरी नॉट वॉल, मेम्ब्रेन का लिसिस हो रहा है, लिटिक कॉम्प्लेक्स हो गया. एंड देन वाटर एंटर, स्वेल्स अप एंड बर्स्ट, फाइनली इट डाई. ओके, सो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी.